यहाँ पर ना आयुष भाई का एग्जॉस्ट देखा जा रहा है, जो 390 का एग्जॉस्ट लग रखा है इसके अंदर। भाई ये यहाँ पे एक लाइट यहाँ लगी हुई है और एक लाइट भाई यहाँ लगी है। ओ, रेव लिमिटर हटा दिया क्या? वीली नहीं मारते, अच्छी बात नहीं होती। नहीं भाई, बच्चा कह रहा था कि यार वीली मारो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वेलकम बैक मैन आर्मी। आज का ये सीन है, आज हमारे पास है भाई यहाँ पे फॉग लाइट, जो कि HJG की फॉग लाइट्स हैं। आपको दिखा दूँ पहले तो, HJG की फॉग लाइट्स है ये लगने वाली है भाई हमारे RC 200 के अंदर, अपने आयुष भाई की बाइक के अंदर। आयुष भाई ने मॉडिफाई कर रखी है, जो कि आप लोगों ने पहले भी देख रखी होगी। कल मैं कमेंट्स वगैरह भी पढ़ रहा था, तो मैं नोटिस कर रहा था कि यार बहुत सारे लोग जो आप बात कर रहे थे, जितनी भी हमारी वीडियोज वगैरह आ रही है उनके अंदर आपको थोड़ा सा भाई इंटरटेनमेंट की कमी फील हो रही है, या तो आप चाहते हो कुछ नया आया जाए, तो उसको हम वापस लेके आएंगे। कैसे, अब आपको मैं थोड़ा सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज आपको आगे की वीडियोज पता चलने वाला है। ये कि यार हम पूरी कोशिश करेंगे यार अपनी वीडियोस को थोड़ा बढ़िया करने में, मतलब जिससे कि आपको और ज्यादा मजा आए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि भाई अभी तो हमारा मॉडिफिकेशन का छोटा मोटा काम होने वाला है, उसके बाद हम जाएंगे छोटी सी एक राइड। यहाँ पर ना आयुष भाई का एग्जॉस्ट देखा जा रहा है, जो 390 का एग्जॉस्ट लग रखा है इसके अंदर। ओ, रेव लिमिटर हटा दिया क्या? तो गाइस ये है भाई मिनी ड्राइविंग लाइट, HJG की फॉग लाइट्स। ठीक है भैया, खोलना है इसको जरा। HJG की फॉग लाइट्स बढ़िया है। इसके अंदर ना पीछे एक बढ़िया चीज़ की आती है, फ़ैन आता है पीछे, तो ये गर्म नहीं होता है, कूल हो जाता है ऑटोमेटिकली, पता आपको। यहाँ पे स्क्रू है तो सही, इसके साथ लगा लो ना। ये भी सही बोल रहे हैं, स्क्रू लगा हुआ ऑलरेडी यहाँ पे। तो गाइस फाइनली अब ऐसा काम इसके अंदर हो रखा है कि जो वायर्स आपको दिख रही है ना, मतलब यहाँ पे दो स्विच लग रहे हैं, एक तो येलो लाइट का स्विच लग रहा है और एक व्हाइट लाइट का स्विच लग रहा है। येलो लाइट जो है वो लो बीम के लिए और जो व्हाइट लाइट है वो हाई बीम के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमने लाइटें जो है ना, पहले आपको लाइट दिखाता हूँ कि हमने लाइटें लगाई कहाँ पे। बेसिकली एक लाइट जो है ना वो यहाँ पर लगी हुई है, दिख नहीं रही है, और दूसरी लाइट जो है यहाँ साइड से लगी हुई, वो भी नहीं दिख रही। तो हमारा प्लान ये था कि यार लाइटें ना दूर से दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ना लुक बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तभी हमने लाइटें जो है वो अंदर की तरफ लगा दी, एक यहाँ लगा दी भाई और एक हमने लगा दी भाई नीचे की तरफ में। वायरिंग का सीन दिखाता हूँ, ये भाई बैटरी के साथ हम लोगों ने कनेक्ट करके रखी है, मतलब एक वायर यहाँ पर है, एक वायर यहाँ पर है। ये वाला देखो भाई, यहाँ पे दो वायर्स आपको दिख रही होंगी, एक वायर जो येलो लाइट के लिए है और दूसरी वायर जो है वो व्हाइट वाली लाइट के लिए, मतलब हाई और लो बीम के लिए। तो जब ये लग जाएगा, ढंग से फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा बाहर निकाल के भाई, क्योंकि यार यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा, आप लोगों को मजा नहीं आएगा देखने में। एंड एक और खतरनाक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, जब हम बाइक ऑन करेंगे ना, यहाँ पर वैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ पर ना जो उसके अंदर दोनों लाइटें हैं ना, वो रेड कलर में जलने लग जाती है, मतलब ये वाली भी और ये वाली भी, जिससे ना लुक बहुत ज़्यादा बेहतरीन आता है, मतलब ना नेक्स्ट लेवल लगती है, रेड डेविल लगती है बाइक अंदर से। अभी इसके अंदर छोटे मोटे और मॉड्स होने वाले हैं, मुझे पता है आप लोगों को और भी अलग अलग कंटेंट चाहिए, वो भी जल्दी से आ जाएगा। बट कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं ये वाली वीडियोस भी बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मॉडिफिकेशन से और रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनली हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पे हमारे आयुष भाई का RC 200 में। एंड आपको दिखा दूँ भाई, ये यहाँ पे एक लाइट यहाँ लगी हुई है और एक लाइट भाई यहाँ लगी है। तो भाई जब फाइनली ये सीन है, कहीं पे आगे जाएंगे हम लोग, कुछ खाना पीना खाएंगे, क्योंकि यार बड़ी भूख लग गई आज फिर से। काम के चक्कर में ना हमें ये चीज़ बड़ा मिस हो जाता है। एंड अभी धूप ना आज थोड़ी सी कम हो गई है पहले से। सीन ये है कि यार हमारे आयुष भाई वहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी बाइक के अंदर। भाई अभी ना मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया, मतलब धूप वगैरह खत्म हो चुकी है, बादल आ चुके हैं, बट एक चीज़ है कि भाई गर्मी जो है ना, तो गर्मी अभी भी थोड़ी सी है यहाँ पे। तो जल्दी से पेट्रोल वगैरह डलवा दे वहाँ से, एंड निकलते हैं यहाँ से नगरोटा की तरफ में। बेसिकली आज ना मेरे को एक और वीडियो बनानी थी, जो कि थी यार थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, मतलब हमारे ड्यूक 390 के अंदर जो आपको दिख रहा है ना इंजन वाला साइन आ रहा है, तो हमें थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवानी थी अपनी बाइक की, बट वो आज नहीं हो पाई, क्योंकि यार मेरे को बैंक से रिलेटेड कुछ काम पड़ गया था। तो वो चीज़ें निपटाने के चक्कर में आज मैं यार थ्रॉटल बॉडी क्लीन नहीं कर पाया। ऐसा है ना कि यार विजिबल नहीं है मॉडिफिकेशन, बट अगर आप रात में चलाओगे तब आपको सबसे बढ़िया लगेगा। और ये वाला एरिया जो आता है ना भाई, ये गांधीनगर वाला एरिया आता है।
अभी ना मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा था क्योंकि यार मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था एग्रेसिव राइड करने में। एंड मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग भी अगर ऐसी राइड करते हो तो प्रिकॉशन लेके ही चलाओ, मतलब अगर खाली रोड दिख रहा है तब करो, वैसे तो ट्रैफिक के बीच में ऐसा बिल्कुल मत ट्राई करना। भाई हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, हमें पता है कि भाई हमारी लिमिट का है, हर एक बंदे की ना अपनी लिमिट होती है, तो उस अकॉर्डिंगली हमें चलाना चाहिए। एंड हेलमेट ग्लव्स वगैरह सब कुछ लगा कर ही राइड करें यार। एंड आज ना मौसम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो गया, लग रहा है भाई थ्रॉटल बॉडी उतनी ज़्यादा गंदी नहीं, क्योंकि अगर थ्रॉटल बॉडी गंदी होती ना 169-170 टच नहीं होता। गर्मी ऑलमोस्ट खत्म सी लग रही भाई, क्योंकि बादल इतने सारे आ चुके हैं ना, पूरा बादलों से कवर्ड है यहाँ पे। एंड भाई तभी मैं आज पानी भी आ गया, पूरी सूखी रहती थी आज, तभी मैं पानी भी दिख रहा नीचे। क्या हुआ? हाँ इनोवा वाला ना, फिर चलो निकलते हैं। उससे कुछ फर्क नहीं, आपने लास्ट बार कब चेंज कराया था चेन सेट? मेरा ये दूसरा चेन सेट है, 3000 का। तो भाई जब मैं चला रहा हूँ भाई हमारे आयुष बाइक है RC 200, फ्यूअल बाइक चलाने का ना भाई अपना ही मजा होता है। इनका क्लच का सिस्टम थोड़ा सा अलग है ना, तभी इंजन ना कट ऑफ मार देता है। आगे भी कितने बादल हो रखे हैं भाई, दुआ करो कि भाई बारिश हो जाए, क्योंकि जम्मू में बहुत टाइम से ना बारिश नहीं हुई है। फेयर्ड बाइक से मेरा अलग ही कनेक्शन है, चाहे कितनी नेकेड बाइक में ले लूँ ना, बट फेयर्ड बाइक के साथ कनेक्शन है ना वो तो नेक्स्ट लेवल है, रेव मैचिंग। तो बहुत सारे लोग ना पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि यार रेव मैचिंग कैसे करता हूँ, वैसे तो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है कि रेव मैचिंग कैसे की जाती है, बट स्टिल इस बार फिर से बता देता हूँ। बेसिकली रेव मैचिंग का सीन ये होता है, अबे यार फिर से यहाँ पे रोक दिया क्या, द वेनम राइडर, बच्चों का रिएक्शन मिल रहा है यहाँ पे भाई। अरे अरे ट्रैफिक यहाँ पे रोक रही है, व्हीली नहीं मारते अच्छी बात नहीं होती, नहीं व्हीली मारना अच्छी बात नहीं होती, नहीं नहीं अबे भाई बच्चा कह रहा था कि यार व्हीली मारो। पहली चीज यार मैं दूसरों की बाइक पे ना व्हीली मारता, और दूसरी चीज ये कि भाई मैंने थोड़ा व्हीली मारना कम कर दिया है। आज हल्का सा एग्रेसिव राइड फिर से करेंगे, एंड आई होप आप लोगों को मैं बोर नहीं कर रहा हूँ। क्या बात है, रेव मैचिंग। RC 200 मैं अभी जो चला रहा हूँ ना बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस मेरे को एक चीज़ की कमी फील हो रही है, वो की है पावर, पावर की थोड़ी बहुत कमी फील हो रही है मेरे को। सिक्स्थ गियर में या फिफ्थ गियर पे शिफ्ट करते हैं, रेव मैचिंग, फोर्थ गियर रेव मैचिंग। रेव मैचिंग का सीन बेसिकली कुछ नहीं होता, आपको ना अपना RPM मेंटेन करके रखना पड़ता है, कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है, और वो कॉन्स्टेंट कैसे रखते हो बेसिकली होता ही है, एक मिनट थोड़ा आगे निकाल लूँ, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना के रखनी पड़ती है, मतलब जैसी ना आप क्लच दबाओ, गियर डाउन करो, फिर एक हल्का सा ऊपर इसको रेव मार दो, मतलब 6-7000 RPM तक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिफ्थ में जा रहा हूँ, अब मेरे को जाना है चौथे में, ये चीज़ समझे। लगी हुई है भाई यहाँ पे दो लाइटें, फॉग लाइट जो मेरे वाले में लगी हुई है HJG की, सेम इसके अंदर हमने लगा दी है, ऑन करो जरा इसको, बढ़िया लग रही है। तो यहाँ से एक जल रही है और एक वाली जल रही है यहाँ से, वाइट वाली में डालना आप इसको, वाइट वाली भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, मतलब ना लाइट आगे तक जा रही है बढ़िया से, जैसे इसके अंदर भी सीन है ना सेम वैसा इसके अंदर है। लाइट्स के मामले में जहाँ पर भी हम लोग की बाइक जा रही है ना वहाँ पे इतने तगड़े रिएक्शंस मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को आज के ब्लॉग में मज़ा आएगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में बेसिकली आपको दिखाया कि भाई मॉडिफिकेशन हमने RC के अंदर क्या करी है, दूसरा चीज़ आपको ये दिखा कि भाई हमने एग्रेसिव राइड थोड़ी की है, एंड हमारे यहाँ पे आयुष भाई ने ठुकते ठुकते बच गए थे, एक इनोवा वाला फ़ोन चला रहा था, स्टोरीज वगैरह बना रहा था, उसने साइड टर्न ले लिया
थोड़ा ज्यादा और हमारे आयुष भाई बच गए। इंडिकेटर इनको थोड़ा सा अलग बनाना था, कुछ ज्यादा ही अलग दिखता है, वो नीचे लगते हैं R15 में। तो अभी आगे और मॉडिफिकेशन गाइस इसके अंदर आने वाले हैं। एक तो मॉडिफिकेशन है इसके अंदर ना, कनाड वगैरह लगने वाला है। चले फिर यार, ग्लव्स बढ़िया लगते हैं पता, जब भी मैं बाइक चला रहा होता हूँ ना, हाँ लुक अच्छे निकालता है डिस्प्ले के ऊपर। इंटरकॉम पे कनेक्ट करते हैं फ़ोन को एंड निकलते हैं यहाँ से भाई, बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन मिल रहे हैं हर जगह से। तो बाय बाय, तो गाइस आपको मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।